ऑब्वियसली साथ में काम कर चुके, किसी भी गर्ल का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती है, पर उनका इंटेंशन वैसा नहीं था। और रही बात जसलीन की, तो उन्होंने भी बहुत कुछ बहुत बोल रखा है अपशब्द। तो आई थिंक जसलीन के जो दीपक ने किया वो चीज़, उसके लिए उसने माफ़ी मांगी। एंड आई मस्ट टेल, मैंने खुद दीपक से बोला था, बात हुई थी हमारी, तो उस मुझे लगता है कि वो उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे हैं, फील कर रहे थे दीपक खुद, सॉरी फील कर। पर मुझे लगता है कि एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, जसलीन ने बहुत ही अपशब्द निकाले थे जब मैं घर के अंदर थी और वो घर के बाहर थी, वो मेरे कैरेक्टर पे, मेरी फैमिली, मेरे फैंस, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ। सो पहले उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, बींग अ गर्ल अगर उनको ये चीज़ बुरी लगी कि एक लड़की होकर उनको ये चीज़ बोला गया, बट मैं भी एक लड़की हूँ, मैं घर के अंदर थे, बिग बॉस के घर के अंदर, खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती थी और उन्हें काफ़ी वाहियात बातें बोली। तो आई रियली होप जसलीन पहले आप उससे माफ़ी मांगी और तब आप दूसरों से माफ़ी की उम्मीद करिए। बिग बॉस एक घर के अंदर होती है पर इलेक्शन के बाद बाहर आ रही थी, सो मैंने उनको, हाँ मैंने उनको तभी जाते वक्त एक हक दिया और प्यार से बाय बोला, कहा जो होता है वो घर के अंदर होता है, पर घर के आने के बाद इतना गंद निकालना, आई एम सो सॉरी जसलीन, आपको ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे पता ही नहीं है, मैं बहुत, जसलीन ने केस किया दीपक ठाकुर पे, क्यों जसलीन ने केस किया है दीपक ठाकुर पे? नहीं मैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, जसलीन ने अपेरेंटली केस किया है दीपक ठाकुर पे,